हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आपस के इख्तलाफात बरकरार, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक साथ बैठने पर नहीं तैयार। एहतजाज के पहले सेशन में आसिफ जरदारी शरीक होंगे, इमरान खान की आमद दूसरे सेशन में होगी। माल रोड पर एहतजाज के बाइस शेयरिंग क्रॉस चौक से जीपीओ चौक तक तमाम रास्ते बंद। अवाम को मुतबादल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। माल रोड से मुल्क तालीमी इदारे भी बंद। 5,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेंजर्स की 3 कंपनियां स्टैंड बाय। रोकने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि धरने के बायस हम अदालत में कैसे पहुंचे, धरना रोकने के लिए क्या इकदाम किए, जज का एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा। आज सियासी ऐलान जंग हो रहा है, करप्ट नासिर को शिकंजे में जकड़ने तक चैन से नहीं बैठेंगे, शेख रशीद का वीडियो पैगाम। एहतजाज में शिरकत के लिए मुस्तफा कमाल की लाहौर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानह मॉडल टाउन में 14 लोगों से जीने का हक छीना गया, इंसाफ के लिए लवाहिकीन के साथ हैं। मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, 90 लोगों को जख्मी कर दिया गया। अब ये सब कुछ पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में हुआ है, पूरा पाकिस्तान एक जिस्म के मानिंद है। एक दूसरे को चोर कहने वाले इकट्ठे कैसे हो गए, दुनिया ने देख लिया। मुखालफीन के असल इरादे भी बेनकाब हो चुके हैं, ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। पार्लियामेंट पीटीबी हमला केस में असद उमर, शीरी मजारी और आरिफ अलवी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश, तीनों की उबूरी जमानत मंजूर, 23 जनवरी को दोबारा पेशी का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत का नोटिस ले लिया, 15 रोज में फहरिस्त जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। चमन में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फानी रोड पर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 7वीं जमात का तालिबे इल्म जां बहक। अमरीका ने फलस्तीनी मुहाजरीन के लिए अक्वाम मुत्तहिदा को दी जाने वाली 6.5 करोड़ डॉलर की इमदाद रोक दी। फलस्तीनी हुक्काम की मजम्मत, सेक्रेटरी जनरल अक्वाम मुत्तहिदा का अमरीकी फैसले पर इजहार तशवीश। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे समेत दीगर ममालिक के बाशिंदों को अमरीका आमद की इजाजत से मुतालिक सवाल पर गुस्से में आ गए, गैर मुल्की सहाफी को मीडिया ब्रीफिंग से बाहर निकलवा दिया। कोलंबिया में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, 8 फौजी और अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।